अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं भिंडी का शेरवा, भिंडी एंड गोश्त की रेसिपी। इसकी रेसिपी जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट से। सबसे पहले हम ले लेंगे 250 ग्राम मटन। ये हड्डी वाला गोश्त है, ये मटन है। ये हमने 2 डली प्याज बारीक कट कर ली है। ये है हमारे पास 200 ग्राम भिंडी, इसे हमने पीसेस में कट कर लिया अच्छे से वॉश करके। ये हमारे पास टमाटर है, जो हमने 200 ग्राम टमाटर ले लिए, इसे भी हमने बारीक कट कर दिया है। ये है धनिया, धनिया को आप बारीक कट कर लें। नेक्स्ट हम लेते हैं हरी मिर्ची। 4 हरी मिर्ची को हमने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून रेड मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये हमने 20 ग्राम इमली ले लिए, इसे अच्छे से वॉश करके भिगने रख लिया है। अब हमें प्रेशर कुकर में प्याज को ऐड कर देंगे, जिसे हमने कट करके रखा था ऑलरेडी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम मटन, जिसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर यानी कि 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दें, लाल मिर्ची पाउडर 1 टेबल स्पून, ग्रीन चिलीज, नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम तेल। अब ये सारे मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें थोड़ी सी धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर दें, इसे मिक्स कर लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 ग्लास ऑफ वाटर। वाटर ऐड करने के बाद आप ये सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें, प्रेशर कुकर की सीटी लगा दें और 3 सीटी के लिए हम इसे गैस पर रख देंगे। ये देख सकते हैं आप, गोश्त गल चुका है। हमने कुकर की सीटी ओपन कर दी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, जो हमने ऑलरेडी कट करके रखे थे। टमाटर ऐड करने के बाद आप कुकर को ना क्लोज करें, इसे ऐसे ही भूनते रहें एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए सिम पर, ताकि टमाटर अच्छे से। एक पैन ले लिया आप, इसमें तेल गरम करने के लिए रख दें। तेल गरम होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे भिंडी। भिंडी को थोड़ी देर फ्राई कर लें, ताकि भिंडी एक दूसरे से ना चिपके। अब हम ये भिंडी को वो गोश्त में ऐड कर देंगे, इसमें हम भिंडी को ऐड कर देंगे। हमने भिंडी को ऐड कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया। सारे मसालों का अच्छे से मिक्स कर लें और ऐसे ही सिम पे पकाते रहें इसे एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। भिंडी मटन रेसिपी हमारी रेडी हो जाएगी विदिन 5 to 10 मिनट्स में। ये देख सकते हैं आप, हमारी भिंडी रेसिपी रेडी हो चुकी है। ये बहुत लजीजी होती है, मुझे ऐसी ही रेसिपी पसंद है। अगर किसी को खट्टा पसंद है तो हमने जो इमली लिया था वो अब हम ऐड करेंगे। मैं आपको बताऊँगी कब और कैसे ऐड करना है उसे। वीडियो को आप देखते रहें। हमने खट्टे को निकाल लिया है एक बॉल में। अब ये देख सकते हैं जब गोश्त गल चुका था भिंडी के साथ, अब हम ये खट्टे को प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से आप मिक्स कर लें खट्टा ऐड करने के बाद, और इसे सिम पे पकने के लिए 5 से 10 मिनट छोड़ दें आप, ताकि खट्टा अच्छे से पक जाए, उसकी खटास थोड़ी सी कम हो जाए। ये देख सकते हैं भिंडी का शेरवा रेडी हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, भिंडी का शेरवा भी बहुत लजीज लगता है। ये सिर्फ हमने इसमें खट्टा ऐड किया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक बार ज़रूर बनाएं आप अपने घर में। चलिए हम मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक आप ये रेसिपी को ट्राई करें। बाय बाय।